बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं सुन्नी तहरीक के मरकज़ पर, और मरकज़ अहले सुन्नत और सुन्नी तहरीक की जानिब से अपना बलूचिस्तान और सिंध में जो सैलाब की तबाहकारियों से जो नुकसान हुआ है उसके जो हमारे जो मुतासरीन हैं उनके लिए जो है यहाँ से जो है इमदादी सामान जो है रवाना किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं अलगौसिया वेलफेयर के रहनुमा और मैं इनसे बात करूँगा। जहाँ सबसे पहले अपना आप तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हसीन रूमवी और अलगौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के हवाले से हम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा ये कि सैलाब जदगान के हवाले से AKF का जो है वो बहुत बड़ा मोहसिन इकदाम जो है वो सामने नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो लफाजी नहीं हो रही बल्कि अमली तौर से प्रैक्टिकल तौर से जो है वो लोगों की मदद के लिए कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका सबूत आज का ये इतना बड़ा जो है, पहले भी राशन गया है बलूचिस्तान में और आज जो है ये सिंध में जा रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वाकई अमली तौर से काम कर रही हैं, आवाम को चाहिए कि उनके हाथ मजबूत करें ताकि हकदार तक हक पहुँचे, रियाकारी या दिखावा ना हो। मेरे साथ मौजूद हैं सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब। सरवत एजाज कादरी साहब, माशाल्लाह से आप जो है करते रहते हैं इस तरह के काम, और जब भी मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो सुन्नी तहरीक सर फहरिस्त होती है। इस वक्त आप जो इमदादी सामान आपका जा रहा है ये कौन कौन से शहरों में जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए, और उसके बाद अपने रूमी भाई का शुक्रिया, चेयरमैन है अलगौसिया वेलफेयर के, ताजिर बिरादरी के जनरल सेक्रेटरी मार्केट के, और इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आज दूसरी खेप जारी है बलूचिस्तान में, उसमें हमारे बच्चे लगे हुए हैं वहाँ घूमें, आज ये सिंध की तरफ जा रहे हैं। सक्कर है, लाड़काना है, जामशोरो है, और आपका हैदराबाद, खैरपुर, और दूसरी ये सजावल और बदीन वाली साइड, ये यहाँ जा रही है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो मीरपुर खास रह जाएगा वहाँ पर जाएंगे। जो खाली ये माल जा रहा है लेकिन जो असल चीज़ है वो पहले पहुँची हुई है, उनका खाना, उनका नाश्ता जो उनको पहले ज़रूरत है ताकि उनको सांस और ऑक्सीजन हो, उसके साथ दवाइयाँ भी हैं, ये सारी चीज़ें। हम समझते हैं कि हम सबको ज़ात पात रंग व नसल से बाला तर होकर इस मुल्क की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए, वो मेरे आका करीम का ये पैगाम है। आका करीम मोहसिन इंसानियत थे, इंसानियत की खिदमत कर। आज का वक्त नहीं है कि हम रियाकारी दिखावा करें, बल्कि आज आप अपनी आंखों से, आपके कैमरे की आंखों में ये चीज़ें महफूज हैं कि जिस तरह लोगों की खिदमत का एक जज्बा है, ये हमारे शहदाओं का खून का सदका है, उनकी शहादतों का सदका है कि उन्होंने हमें ये शहूर दिया कि इंसानियत की खिदमत करनी है। ये हमारे रहबर रहनुमा आका करीम का सदका है कि उन्होंने हमें, हम इस मज़हब से, महज़ब मज़हब से, जहाँ ना ज़बान का मसला है, ना कौमियत का, ना बिरादरी का। अच्छा सरोज भाई, राशन, अद्वियात और दीगर चीज़ें तो फराम किया है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वहाँ घर गिरे हैं और लोगों का वहाँ मसला, क्योंकि आप क्षति नहीं है, आप राशन और दीगर चीज़ें तो मतलब बहुत सारे लोग भेज रहे हैं लेकिन वहाँ रहने के लिए घर भी नहीं, क्या इस हवाले से भी आप कोई काम कर रहे हैं? इस पर हम जो टेम्परेरी काम तो कर सकते हैं, हमारी जो बसात है वो एक टेम्परेरी, वो यकीनन छत, और ये तो किसी और का नारा है ना, तो वो इंशाल्लाह ताला छत वो फराम करेंगे, लेकिन जो इसमें काबिल तहसीन फ़लाई तंजीम है जिसका मैंने पूरा वो मैनोफेस्टो देखा है, उसके अंदर दावत इस्लामी के FGRF वो सबका घर भी बना के देंगे, और उसके साथ एक काम और भी है, उनको रोज़गार भी देंगे, उनको जो उनकी ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उनका रोज़गार भी ख़त्म हो गया। इस वक्त 1200 लोग शहीद हो चुके हैं, 5 लाख के करीब घर बह चुके हैं, और इतने ही तकरीब 5 से 6 लाख जो जानवर हैं वो उनका रोज़गार था, वो उनका ज़रिया माश था। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें हैं, ये सेकंड स्टेप के अंदर है। तीसरा, हमारे मेडिकल कैंप चारों तरफ काम कर रहे हैं, आप जनूबी वजिस्तान जाएं, आप DG खान जाएं, और जनूबी पंजाब जाएं, या तोसा शरीफ जाएं, या आप सवात जाएं, अटक जाएं, नौशेरा जाएं, नौशेरा फरोज जाएं, सिंध वाला भी, पंजाब वाला भी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने, लोग अपने मदद आपके तहत भी जा रहे हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ इन तमाम फलाही तंजीमों के रज़ाकारों को जो इस कौमी जज्बे के साथ एक कौम बनकर काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ये सोच और ये फिक्र हमारे सियासतदानों को भी तौफीक अता फरमाए। भाई साहब, जो लूट मार का एक सिलसिला है और हकदारों तक हक नहीं पहुँच रहा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यार आप, वो 5 साल की बच्चियाँ गायब हो रही हैं, उनके जनाजे उठ रहे हैं, तो यकीनन आज वो औरत कह रही है मुझे दाना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। हमें सोचना चाहिए हमारी रियासत किधर है, हमारे वो इदारे जो, अब आप फौज का एक जवान आप देखो कोने में भी पहुंचा हुआ है,
वो भी उस जगह पे जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ फौज का जवान पहुँचा है। आज फौज का किरदार देखें, आज आपके सामने आज उनके इतने बड़े लेफ्टिनेंट जनरल की शहादत देखें, वो क्या था, वेलफेयर काम में गए हुए थे। तो हमारे सियासतदान, हमारे MP MLA जो मुंतखब आए, उनको भी अपने इलाके में रहना चाहिए, इलाके की खिदमत करें, ये फ़र्ज़ है। आज सारी ज़िंदगी आदमी कमाता है, ये कमाने का महीना है नेकियाँ, ये कमाने का महीना है सवाब, ये महीने का कमाम है जन्नत। आज जन्नत कमाना है तो हमें अपने घरों से निकलकर, आज देखें कराची वालों को देखें कैसा किरदार अदा किया, पूरे पाकिस्तान में आपको ये रंग नज़र आएगा, ये कौम में नज़र आ रहा है, हमारे लीडर भी नज़र आए। इंशाल्लाह ताला जैसे 2010 के तूफान से निकले, उस आजमाइश से अल्लाह की निकले, अल्लाह ताला हमें इस पे भी सुरखुरु करे। मैं आखिरी बात करूंगा आपसे, सांगड़ में एक वाक़ा है, एक बच्ची की जो है राशन के नाम पे एक उसकी इज्जत लूटी गई, 2 दिन तक उसको रखा गया, और इस पर आप क्या कहेंगे? ये आज का वाक़ा नहीं है, आज वो 5 साल वाली बच्ची भी हमारी बच्ची है जो बलूचिस्तान के अंदर जिसको रात को गायब किया, उसको भी आपको कल अल्लाह माफ़ करे, उसके साथ भी हो सकता है ये हो। इनको लटकाएं, इनके लिए स्पीडी ट्रायल की अदालतें बननी चाहिए। यार इसमें क्या मसलहतें हैं, किस बात की है? अरे खुदा ना खास्ता कल तुम्हारी बेटी उस जगह पर हो, खुदा ना खास्ता कल तुम्हारी बहन उस जगह के ऊपर हो, ये हमारी बेगैरती ख़त्म हो। आज कराची में स्ट्रीट क्राइम देखें, कल से अब तक ना 12 आदमियों को गोलियाँ मार दी गई हैं, 12 आदमियों को सर, इस कराची शहर में, ये मॉडरेट सिटी है, हैं कहाँ है CCPO साहब, कहाँ है IG साहब, हमें इदारों को आप को, हमें तो नहीं राशन में कोई नज़र आ रहा, हम तो सच्ची खरी बात करने वाले लोग हैं, हमें नहीं पता उसके बाद मुकदमे कितने बनेंगे, लेकिन सब तैयार है इस कौम के लिए, अपनी जानें देने के तैयार हैं। ये मुल्क और पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फहीम शेख साहब, इनसे भी जानते हैं कि ये जो इमदादी सामान ये भेज रहे हैं और कि इन्होंने पहले कितना भेजा और आगे इनकी क्या क्या कोशिश आ रही है। फहीम भाई ये बताइएगा, जैसा भी सरोज भाई ने बताया कि काफ़ी शहरों में जा चुका है, अब आप लोगों की आगे क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आज आपको मैं ये बता दूँ, आज पाकिस्तान में यौम ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, और आज के दिन मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कि दुखी इंसानियत की खिदमत को बिला तफरीक शुवार बनाया जाए, तो अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार इश्क़ रसूल से सरशार होकर आका करीम के इस फरमान पर अमल पैराए और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बिला तफरीक राशन जमा कर रहे हैं, सैलाब जदगान में पहुँचा रहे हैं। दूसरी जानिब यह है कि आपने जैसा फरमाया कि सिंध आज ही हमारी दूसरी खेप जो है ये सिंध की तरफ रवाना हो रही है, जो कि सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह, मिटियारी और दीगर अजला में ये मतलब पहुंचाई जाएगी और सैलाब जदगान तक ये इमदाद उनको देकर रिलीफ प्राइम किया जाएगा। ये बताएं कि कौन कौन लोग आपके साथ जो है इस कार्य खैर में तआवुन कर रहे हैं? देखिए इस कार्य खैर में हमारे जो अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हैं वो आवाम से रबते में हैं और जगह जगह पूरे कराची में हमारे रिलीफ कैंप कायम है, तो ये आवाम की ही मदद से ये सब कुछ जमा हुआ है। लेकिन इसमें एक बात फिर मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कराची का किरदार देखा जाए मुसीबत ज़दा अफराद के लिए, चाहे वो 2005 का जलजला हो, चाहे वो आज का जो तारीख का बदतरीन सैलाब है ये हो, तो कराची के जो आवाम हैं उन्होंने इंसानी जज्बे से सरशार होकर बिला तफरीक रंग और नस्ल जो है इमदादी सामान लोगों को फराहम किया है, ताकि जो मुसीबत ज़दा हैं, जो सैलाब ज़दा हैं, जो खुले आसमान के नीचे हैं, जो एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, उन तक ये इमदाद पहुँचाई जा सके। लेकिन रियासत की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि रियासत पर रियासत ही होती है, अगर ये भलाई तंजीमें जो काम करनी है अगर ये काम ना करती तो आज आप जहाँ 1200-1400 अमवात की बात कर रहे हैं या हज़ारों में पहुँच जाती। लेकिन मैं इन तमाम तंजीमों, भलाई तंजीमों को भी सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने बिला तफरीक रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत को शुवार बनाया। अब मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहब, जो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हम इनसे जानेंगे जो यहाँ से जो इमदादी सामान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जो भेजा जा रहा है इसमें भी इन लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है। अयूब साहब सबसे पहले तो एक जो आपने कार्य खैर में हिस्सा लिया है एक बहुत अच्छा काम है, इस पर आप क्या कहेंगे? बस भाजन बात यह है कि इस वक्त मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में एक जो कयामत जो बरपा है वो एक अलमिया है, और पाकिस्तान का ये वही शहर है कराची जो पूरे पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। टैक्स की मद में देखें कोई भी चीज़ हो सबसे आगे ये कराची होता है, और कराची इतना दमदार शहर है और यहाँ के लोग इतने
नडर हैं, इतने शानदार हैं कि हर चीज़ में सबसे आगे होते हैं, चाहे वो सैलाब हो या कोई वो जलजला हो या कोई भी कोई आफत हो, ये सबसे आगे होते हैं। और राशन में देखें, अभी इस वक्त जो है ना सैलाब से तो आपने अगर उनको बचा दिया है, इस वक्त उनके पास गिजाई किल्लत बहुत है, और यहाँ तक कि जिस्म पर वो कपड़े नहीं है। मैं खुद जाकर आया हूँ अंदरून सिंध, बहुत बुरी कंडीशन है, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम तो आराम से बैठे हैं। उनको एक एक चीज़ की ज़रूरत है, और फिर बीमारियों ने जैसे फंगस चल रहा है, खारिश चल रही है, ये मलेरिया डेंगी, ऊपर से ये वबा आ गई है, उससे भी कोई जो महफूज नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मेरी अपनी एक जमात है, एक तहरीक है, बहुत शानदार अहले सुन्नत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, और आपके सामने अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम दायम रखे। और अलमिया ये है कि जो लोग उधर जिनाकारी कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा ऑर्डिनेंस निकाले कि उन दहशत गर्दों को फना कर देना चाहिए, उनके लिए कोई रियायत होनी चाहिए, ना ही कोई ऐसी तरमीम होनी चाहिए कानून में। हमारे यहाँ तो सबसे आसान तरीका ये है, चाहे कुछ भी कर ले दूसरे उसकी ज़मानत हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब। जैसा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और ताजर बरदरी की जानिब से जो है अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में जो है मुसीबत और सैलाब ज़्यादा अफराद जो हैं उनके लिए जो है इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात की सरवत एजाज कादरी साहब ने और हमारे ताजिर रहनुमाओं ने कि इस वक्त जो इज़्ज़त महफूज नहीं है, एक तो वैसे ही परेशान हाल लोग हैं, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, अद्वियात नहीं है, बीमारी नहीं, उसके बाद लोग यहाँ बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। तो बहुत अच्छा मुतालबा है ताजिर बरदरी का और सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब का कि इसमें मुलविस जो लोग हैं उनको सिर्फ गिरफ़्तार नहीं किया जाए बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ा देकर उनको निशाने इबरत बनाया जाए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।